तो हमने दोस्त आप लोगों को कल वाली क्लास में अल्कोहल के बारे में कुछ बताया था। बोला था हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। उनमें नाम हमने लिखे थे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड एनएबीसी और बोए ब्लांक रिडक्शन और पिनाकोल ऐसे करके काफी रिएक्शंस लिखी थी उनमें। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों एक साथ हम बता देते हैं आपको सिंग एजेंट एज कम्पेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये हमने आपको कल वाली क्लास में बताया है। और ये दोनों रिएजेंट को आप पहले भी देख चुके हो जब एल्केन आपको पढ़ा रहे थे, ये इसके पहले भी आप देख चुके हो। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में लिथियम आप Li प्लस लिखते हो और AlH4 माइनस, वैसे अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड में आओगे तो Na प्लस और BH4 माइनस लिखेंगे। हेलो आवाज आ रही है दोस्त हमारी? यस सर। हेलो हेलो, अच्छा ठीक है। तो भैया एक बात बताओ, एल्युमिनियम पे माइनस चार्ज है और वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ऊपर से मेटल है तो अपने ऊपर माइनस चार्ज नहीं रखना चाहेगा। इवन पूरे केमिस्ट्री में किसी भी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना देते हो तो फिर वो अपने आसपास इलेक्ट्रॉन देखना पसंद नहीं करता, कोई भी नेगेटिव चार्ज। इन्फिनिटी से भी उसके पास इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करोगे तो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, अपने आप से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता। यही रीजन होता है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एन्थैल्पी सबकी पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक होती है। तो एल्युमिनियम पर माइनस चार्ज है, वो अपनी विसिनिटी में आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा, दोनों में साइज के डिफरेंस की वजह से भी बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा। तो एल्युमिनियम क्या करेगा कि भैया अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके किसी हाइड्रोजन को बोलेगा तुम चले जाओ, जिससे एल्युमिनियम न्यूट्रल हो जाए। तो इसका मतलब है जो एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो पावरफुल हाइड्राइड डोनर है, एच माइनस रिलीज कर सकता है। सिमिलरली राइट साइड आ जाओ सोडियम बोरोहाइड्राइड में, तो सोडियम चीज कि बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज है, वो अपने आसपास विसिनिटी में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। लेकिन हाँ सिमिलरली वो भी क्या करेगा, अपने हाइड्राइड को बोलेगा तुम भी अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चले जाओ। अब इन दोनों में कंपैरिजन होगा तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ज्यादा पावरफुल माना जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम हाइड्राइड में एल्युमिनियम से लगे हुए एच इजीली निकल सकते हैं, ज्यादा रिपल्शन वाली स्टेट में है एज कम्पेयर टू बोरो, ये जो बोरो हाइड्राइड है उसके वाले एच। इसीलिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत सारी चीजों को रिड्यूस कर सकता है, सोडियम बोरो हाइड्राइड उतनी सारी चीजों को रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि लेस पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन इज लूजली हेल्ड विद एल्युमिनियम इन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ड्यू टू पुअर ओवरलैपिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्युमिनियम। और दूसरे साइड आओगे तो हाइड्रोजन इज रिलेटिवली टाइटली हेल्ड विद बोरॉन, रिलेटिवली टाइटली हेल्ड विद बोरॉन इन NaBH4 ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग विद H एंड B। अगर इन दोनों में कंपैरिजन ही करना था कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, तो दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करके अल्कोहल में ले जा रहा होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड वो ऑल वैरायटीज को नहीं रिड्यूस करेगा जितने को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर रहा था। ये तो यही था तुमको समझ में आ गया। तो अब कोई बोले अच्छा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में बता दीजिए कौन से चीजों को रिड्यूस करता है। तो फंक्शंस या रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपको बताने जा रहे हैं। तो फंक्शंस या रिड्यूसिंग बिहेवियर अगर आप देखोगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का LAH का, तो क्या होता है कितने टाइप के मॉलिक्यूल को वो रिड्यूस करता है। देखो रिड्यूस करेगा मैकेनिज्म उसके भी बताएंगे, तो रिडक्शन के लिए ग्रुप्स कैसे होने चाहिए। देखिए जितने भी एल्डिहाइड होते हैं सबको रिड्यूस करके अल्कोहल में लिया जाता है, जितने भी कीटोन्स होते हैं उन सबको रिड्यूस करके अल्कोहल में लिया जाता है, जितने भी ईस्टर होते हैं उन सबको रिड्यूस करके अल्कोहल में लिया जाता है, जितने भी एसिड हैलाइड होते हैं उनको रिड्यूस करके अल्कोहल में ले जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड को भी रिड्यूस करके अल्कोहल में ले जाएगा। देखो तो इसका मतलब है बहुत सारी चीजों को रिड्यूस करके लेके जा रहा है उसमें अल्कोहल में, अभी और भी है कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करके अल्कोहल में ले जाएगा, इवन इपॉक्साइड्स को भी, ऑक्सीरेन्स को अभी आपको पढ़ाएंगे बेस प्रमोटेड क्लीवेज ऑफ साइक्लिक ईथर, उसमें आपको ये पता लगेगा कि इपॉक्साइड और ऑक्सीरेन्स को भी रिड्यूस करके अल्कोहल में ले जाता है।
ये ऑक्सीजन इपोक्साइड बस एल्कीन्स को रिड्यूस नहीं कर पाता, एल्कीन्स को रिड्यूस नहीं करेगा क्योंकि एल्कीन खुद न्यूक्लियोफाइल होते हैं, उनका एक्सपोज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो कभी भी एल्कीन पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन ना करा देना, क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एच माइनस देता है दोस्त, और एल्कीन का खुद का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो वो दोनों रिपेल करेंगे, इसलिए एल्कीन अल्काइन ये सब जो होते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन नहीं करते हैं ये। तो ठीक है, बाकी अभी नाइट्रोजन कंटेनिंग आ जा, 9th के बाद 10th एक चीज होती है, 10th लिखा है कि सिनामिक सिस्टम जो होता है, सिनामिक सिस्टम या सिनामेल्डिहाइड, इसका नाम सिनामेल्डिहाइड होता है, और लास्ट में अगर इसी सीएचओ की जगह सीओएच कर दो तो इसका नाम हो जाता है सिनामिक एसिड। अरे ये सीएचओ है इसलिए इसका नाम सिनामेल्डिहाइड, और अगर आप लोग इसी को सीओएच कर दोगे तो ये सनम सिनामिक एसिड हो जाएगा, सिनामेल्डिहाइड से सिनामिक एसिड। इसके लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराओगे तो भैया यहाँ डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया, लो कोई बोले क्यों रिड्यूस कर दिया, तो ये आपको हम बताएंगे जब अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे। तो देखो हमने 9th वाला पॉइंट क्या लिखा है कि एल्कीन को रिड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन 10th वाले पार्ट में लिख के हमने एल्कीन को रिड्यूस करा दिया है। लास्ट में देखो एल्कीन भी रिड्यूस है, कार्बोनिल कंपाउंड भी रिड्यूस है, इसलिए इंपॉर्टेंट लिखा है उसके आगे 10th वाले पे, कुछ खास बात होती होगी। नीचे लिखा भी है ऑल्दो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LAH भी लिखते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LAH शॉर्ट फॉर्म में इज नॉट एबल टू रिड्यूस आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, ऑल्दो ये इज नॉट एबल टू रिड्यूस आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब है अलग से कहीं डबल बॉन्ड पड़ा हो, इट कैन रिड्यूस डबल बॉन्ड ऑफ सिनामिक सिस्टम, सिनामिक सिस्टम बोले तो अरे वही सिनामेल्डिहाइड या सिनामिक एसिड। ये 10 पॉइंट हो गए, अभी और भी बताते हैं आपको, पहले तो ये बताओ समझ में आ रहा है दोस्त ये सारे पॉइंट्स है यस सर, भैया? अच्छा ठीक है, यस बहुत सर, प्यारा बच्चा। फिर से सुनो एक एक करके हम आपको बता दें यहाँ से शुरू से, तो फिर नीचे चलते हैं, अभी और भी है, और भी बहुत सारे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। सबसे पहले आइए फंक्शंस या रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो जो एल्डिहाइड लिखा है सबसे पहली रिएक्शन, उसके आगे न्यूमरेटर में देखो क्या लिखा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन डाइथाइल ईथर, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन डाइथाइल ईथर, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को वाटर में नहीं रखा जाता, डाइथाइल ईथर में रखा जाता है, ओपन चेन ईथर में रखा जाता है, बाद में हाइड्रोलिसिस कराना मस्ट होता है, मस्ट होता है, मस्ट होता है। ये ओवरऑल सारे रिएजेंट, मतलब एक रिएजेंट को कैसे लिखा जाएगा वो तरीका है कि न्यूमरेटर में लिखा जाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन डाइथाइल ईथर और डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा वाटर। हेलो प्रेजेंट हो भैया? यस सर, यस सर, अच्छा ठीक है। ऐसे ही लिखा जाएगा, तो देखो रिएक्शन नंबर 2 में भी हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन डाइथाइल ईथर और वाटर लिखा हुआ है, और रिएक्शन नंबर 3 में भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन डाइथाइल ईथर वाटर लिखा है, रिएक्शन नंबर 4 में भी न्यूमरेटर में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन डाइथाइल ईथर वाटर। ये पूरी चीज होती है, पूरी बात बताएगा अगर कोई तो ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी। जो एल्डिहाइड होता है, चलो नंबर 1 पे आते हैं, जो एल्डिहाइड लिखा हुआ है सबसे पहले उसमें अगर आप देखोगे एल्डिहाइड वाले में, तो एक डबल बॉन्ड को तोड़ के उसने क्या कर दिया, एच एच दे दिया और बन गया अल्कोहल। जो कीटोन है उसने डबल बॉन्ड को तोड़ के एच एच दे दिया, बन गया अल्कोहल। ईस्टर जो होता है, ईस्टर ईस्टर, तो ऐसा बोलते हैं कि जो सी डबल बॉन्ड ओ के बगल में कोई पोलर बॉन्ड है अगर ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड भी टूटता है, जैसे डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और ये भी ब्रेक हो जाएगा। ऐसी कहाँ पे स्टेट मिलती है, ऐसी स्टेट मिलती है अगर सी डबल बॉन्ड ओ के बगल में ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में, ईस्टर में, अनहाइड्राइड में, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में देखोगे है ना, उन सब जगहों पे अगर आप देखोगे सी डबल बॉन्ड ओ के बगल में कार्बन ऑक्सीजन पोलर बॉन्ड लगा है नाइट्रोजन को छोड़ के, अभी बताते हैं, तो वो टूट जाएगा, वो पूरा का पूरा टूट जाएगा। तो देखिए ये ऐसी स्टेट कहाँ पे मिली आपको, ये स्टेट आपको मिल रही है रिएक्शन नंबर 3 में। तो रिएक्शन नंबर 3 में देखो दोस्त, हमने क्या बोला है ईस्टर है, तो
तो सी डबल बॉन्ड ओ का एक पाई बॉन्ड टूटेगा और उसके बगल में जो पोलर बॉन्ड लिखा है सी ओ का, ये भी ब्रेक हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड वाला हो जाएगा आर सी एच टू ओ एच, और एक हो जाएगा दूसरा वाला आर डैश ओ एच। इस्टर्स को ऐसे रिड्यूस करता है। एसिड हैलाइड पे आ जाओ, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, तो यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ सी एल है, तो सी डबल बॉन्ड ओ और उसके बगल में कार्बन के साथ एक पोलर बॉन्ड लगा है सी सी एल, उसको भी रिड्यूस कर देता है वो आर सी एच टू ओ एच में, और एच सी एल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि भाई अगर सिर्फ आर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप में पड़ा हुआ है, मतलब जैसे एल्डिहाइड कीटोन, तो उनको रिड्यूस करके अल्कोहल में लिया जाएगा। लेकिन आर सी डबल बॉन्ड ओ के बगल में कोई और कार्बन, उसी कार्बन से लगा हुआ कोई पोलर बॉन्ड है, जैसे कि ऑक्सीजन या क्लोरीन, इन तरीके की चीजें, नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी कोई भी, तो उनको रिड्यूस कर देता है सी डबल बॉन्ड वाले को। तो एक बार पाई बॉन्ड तोड़ेगा लेकिन बगल वाले पोलर बॉन्ड को पूरा ही तोड़ देगा। तो कुल मिला के आप क्या समझ रहे हो, एल्डिहाइड को एल्कोहल में, कीटोन को एल्कोहल में, एसिड हैलाइड को भी अल्कोहल में, ईस्टर्स को भी अल्कोहल में, और लास्ट पे लिखा है इस पेज पे अनहाइड्राइड को, एसिड अनहाइड्राइड। तो इसमें क्या है, सी डबल बॉन्डो के बगल में ये ऑक्सीजन है, तो इसको भी तोड़ेगा, इसको भी तोड़ेगा। लेफ्ट साइड वाला आर सी एच टू ओ एच हो जाएगा, राइट साइड वाला आर डैश सी एच टू ओ एच हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होएगा भैया, बीच में वाटर बन जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्त इतना? यस सर, इतना समझ गए यस यस सर। हाँ दोस्त, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के इतने फंक्शन, क्या फंक्शन होते हैं इसके, सारे एल्डिहाइड को रिड्यूस करके कहाँ पे लेके जाता है, अल्कोहल में। कीटोन्स को रिड्यूस करके कहाँ पे, अल्कोहल में। ईस्टर्स को भी रिड्यूस करके अल्कोहल में, एसिड हैलाइड को भी रिड्यूस करके अल्कोहल में, अनहाइड्राइड को रिड्यूस करके अल्कोहल में। फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, अभी टॉप पे लिखा है, हमने अभी आपको बताया था सी डबल बॉन्ड ओ के बगल में अगर पोलर बॉन्ड है उसी कार्बन से लगा हुआ, तो वो पूरा रिड्यूस हो जाता है सिंगल बॉन्ड। तो सी डबल बॉन्ड ओ एक बार टूटेगा पाई बॉन्ड से, टूटेगा उसका, लेकिन उसी के साथ साथ अगर लगा हुआ एक कार्बन से दो OH, तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा, तो पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड बनेगा आर सी एच टू ओ एच और राइट साइड बन जाएगा वाटर। इपॉक्साइड जो होते हैं ये एक्चुअली में होते हैं ईथर्स, साइक्लिक ईथर। तो साइक्लिक ईथर की क्लीवेज ईथर में पढ़ाएंगे कि बेस प्रमोटेड क्लीवेज ऑफ साइक्लिक ईथर और एसिड प्रमोटेड क्लीवेज ऑफ साइक्लिक ईथर। तो यहाँ कुल मिला के आप तोड़ दो, अल्कोहल बन जाएगा। कोई बोले मिडिल वाले पे ओएच क्यों आया, इसको डिटेल में बता देंगे ईथर में। और ऐसे एट वाला हो जाएगा, नाइन्थ तो होगा नहीं, नाइन्थ क्योंकि वो तो एल्कीन है, एल्कीन थोड़ी रिएक्शन कर जाती है। और टेंथ में अगर आप आओगे तो कोई बोले कैसे टूट रहा है वो, उसको भी अभी थोड़ी देर में बता रहे हैं, एक एक करके थोड़ा टाइम दे दीजिए हमको, हिंट कर रहे हैं आपको। देखो दोस्त, टेंथ वाले पे हिंट कर रहे हैं, जो डबल बॉन्ड है एक्चुअली में वो कंजुगेशन में है, ये सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ये कंजुगेशन में। एक्चुअल तरीका इसका तो माइकल एडिशन में पढ़ाएंगे आपको, माइकल एडिशन एक चीज होती है, माइकल एडिशन रिएक्शन, उसमें एच माइनस आके अटैक करता है इस वाले कार्बन पे और ये इधर टूट जाएगा, ये इधर टूट जाएगा ऐसे ही, और वो बाद में फिर फर्दर टॉटोमराइज करके एक कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा और रिएक्शन हो जाएगा। एक्चुअल तरीका यही होता है इसके रिड्यूस करने का। लोग इसको एक्सेप्शन के फॉर्म में भी याद रखते हैं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सिनामिक सिस्टम को भी रिड्यूस कर लेता है, लेकिन माइकल एडिशन रिएक्शन में ये चीज होती है जो हमने बताई, मतलब वहां पे डबल बॉन्ड पे। कोई बोले सर ये डबल बॉन्ड पे अटैक ही क्यों कर रहा है एच माइनस, आप तो नाइन्थ वाले में बता रहे थे डबल बॉन्ड पे अटैक कर नहीं सकता। यहाँ पे क्या है, जो बीच वाला डबल बॉन्ड है बेंजीन कंजुगेशन की वजह से और सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कंजुगेशन में होने की वजह से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो गई है उसकी, या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस जगह पे डेल्टा प्लस आएगा। फील कर पा रहे हो इस जगह पे डेल्टा प्लस भैया, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस। हाँ, तो रेजोनेंस की वजह से, वैसे बेंजीन में भी ये रेजोनेंस कर रहा होगा, तो कुल मिला के उस कार्बन पे डेल्टा प्लस आएगा, तो बहुत ज्यादा रेजोनेंस की वजह से इस वाले कार्बन पे डेल्टा प्लस आया होगा, इसलिए एच माइनस वहां पे आके अटैक कर ले रहा है। ये डिटेल में आपको माइकल एडिशन रिएक्शन में बताएंगे, अभी फिलहाल आप याद कर लो मार्क की भैया ये सिनामिक सिस्टम को भी रिड्यूस करता है। तुम लोग 12th पास में हो, इतना तो क्या पता जानते ही हो पहले से ही। चलिए देखिए नेक्स्ट, इतना हो गया कि किसी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को, अगर किसी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करेगा तो अल्कोहल में ही ले जाएगा। अब आता है
रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। साथ साथ हम एक्चुअली हमने क्या किया है, पूरे केमिस्ट्री में आने वाले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के सारे फंक्शंस को एक साथ लिखा हुआ है, सारे फंक्शंस को। कोई बोले सर आप तो अल्कोहल पढ़ा रहे हो, ये भी जान लो क्योंकि आगे आपको मिलने वाले हैं ये सब। एक साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के सारे फंक्शंस हमने आपको बता दिए। क्या क्या ऊपर क्या बताया, ऊपर क्या बताया, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर अनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इपॉक्साइड, सिनामिक सिस्टम, एसिड हैलाइड, इन सब को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में। लेकिन सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के बगल में नाइट्रोजन अगर आ गया तो क्या करता है, देखिए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अलग से लिखा है हमने, नाइट्रोजन ये अमीन्स में पढ़ाने वाली चीज है, लेकिन आप देख लो रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉर नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। अगर अल्काइल नाइट्राइल हुआ आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन को ये रिड्यूस करेगा पूरा और बना देगा आर सी एच टू एन एच टू, 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपने अमाइड ले लिए भाई, अमाइड, अमाइड तीन होते हैं, एक होता है नॉर्मल अमाइड, एक होता है एक नाइट्रोजन पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा दो तो एन अल्काइल अमाइड, और एक इसी में हो जाएगा नाइट्रोजन पे दोनों एच हटा के दो अल्काइल ग्रुप लगा दो तो उसका नाम हो जाएगा एन कॉमा एन डाई अल्काइल अमाइड। ये तीन चीजें हैं, तीन अमाइड है ये। इनको जब रिड्यूस करता है मेरे भाई तो पूरा कंप्लीटली सी डबल बॉन्डो को पूरा ही रिड्यूस कर देता है सी एच टू में। क्यों होता है धीरे धीरे समझ जाओगे आप, पहले तो सिर्फ इतना याद करो कि भैया ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड थोड़ी है ये, साथ में नाइट्रोजन भी तो है, तो सी डबल बॉन्ड ओ के बगल में अगर नाइट्रोजन आ जाता है तो सी डबल बॉन्ड ओ पूरा ही रिड्यूस हो जाएगा, पूरा 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 रिड्यूस हो जाएगा। मैकेनिज्म आगे चल के देखना, आपने क्या देखा है फिर से बता रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर अनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, इपॉक्साइड और सिनामिक सिस्टम। इतने सिस्टम्स में आपने देखा था कि अल्कोहल बनता है अगर वो रिड्यूस होते हैं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, लेकिन जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं अगर वो रिड्यूस होते हैं तो पक्का पक्का, अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो पक्का वो बनाता है आपका ये अमीन। जैसे कि आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन है तो रिड्यूस हो जाएगा आर सी एच टू एन एच टू में, आर सी ओ एन एच टू है तो रिड्यूस हो जाएगा आर सी एच टू एन एच टू में, और वैसे ही एन अल्काइल अमाइड है तो एन अल्काइल अमीन बन जाएगा, मतलब अरे 2 डिग्री अमीन बन जाएगा। समझ में आ रहा है भैया? हेलो, यस सर। और अगर ये एन एन डाई अल्काइल अमाइड है तो वो 3 डिग्री अमीन बन जाएगा, मतलब ये 1 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन और ये 3 डिग्री अमीन, ये सब फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। 5 नंबर रिएक्शन पे आ जाइए, अगर आइसोनाइट्राइल हुआ तो वो भी 2 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीन्स की बात कर रहे हैं, और साइक्लिक अमाइड अगर कोई हुआ तो फर्दर वो अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कम, अच्छा नीचे और भी है अभी देख लो, एन नाइट्रो वाले कंपाउंड, अगर ये सेवेंथ वाली बता रहे हैं, कोई नाइट्रो कंपाउंड हुआ, नाइट्रो ये एलिफैटिक नाइट्रो, एलिफैटिक नाइट्रो आर एन ओ टू, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराओगे तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा आर एन एच टू में, अमीन में। लेकिन अगर एरोमेटिक ये नाइट्रेट ये एन ओ टू हुआ तो कन्वर्ट हो जाता है एजो कंपाउंड में। पहले तो आप फैक्ट याद करो, डायरेक्ट मैकेनिज्म थोड़ी, पहले तो फैक्ट याद करो। और लास्ट में अगर अजाइड हुआ आर एन थ्री, तो आर एन थ्री अजाइड रिड्यूस हो जाता है आर एन एच टू में। बस इतनी रिएक्शन है, बस क्या मतलब 9 रिएक्शन यहाँ पे हैं और 9 ऊपर थी। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के सारे फंक्शंस यहाँ पे कवर हो गए, सारे फंक्शंस। अब तुम लोग आंख बंद करो, हम रिकॉल करवा रहे हैं, मतलब देखते रहो जैसा भी, हम ये बता रहे हैं ध्यान से सुनना, अपने फिंगर्स पे याद कर सकते हो कि अल्कोहल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, किनको किनको अल्कोहल में करता है, किनको किनको अमीन्स में कन्वर्ट करवा सकता है। तो एल्कोहल वाले एल्डिहाइड को रिड्यूस करके एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अनहाइड्राइड, ईस्टर्स, एसिड हैलाइड, इपॉक्साइड और सिनामिक सिस्टम, है ना दोस्त, कोई एक मिस हो गया ऊपर देखे थे इपॉक्साइड, हाँ ठीक है, इतने लोगों को वो रिड्यूस कर देता है। ये ऊपर देख लीजिए, ये वाला एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, एसिड हैलाइड,
एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इपोक्साइड या ईस्ट, ये ऑक्सीरेन या और सिनामिक सिस्टम, इन सबको रिड्यूस कर देता है एल्कोहल में। लेकिन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आओगे तो इसको नाइट्राइल को कन्वर्ट करेगा अमीन में, अमाइड को कन्वर्ट करेगा अमीन में, चाहे अमाइड हो, चाहे एन अल्काइल अमाइड हो, चाहे एन कॉमा एन डाई अल्काइल अमाइड हो। नाइट्राइल होगा अगर, सॉरी आइसो नाइट्राइल है तो उसको 2 डिग्री अमीन में, साइक्लिक अमाइड है तो उसको अमीन में, नाइट्रो कंपाउंड है अगर एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड तो उनको भी अमीन में, और एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है तो उनको एजो कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, और अगर अजाइड है तो उसको भी अमीन में कन्वर्ट कर देगा। तो पूरे केमिस्ट्री में यूज होने वाला लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का ये फंक्शन है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो फिर आप भाई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं याद रखोगे आ जाएगा तो फिर कैसे करोगे? एक साथ आपने देख लिया ये सारे के सारे रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन में फिर पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड में, या आगे चल के केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन में या प्रिपरेशन ऑफ अमीन में, ये रिएक्शंस फिर मिलेंगी। लेकिन एक साथ आपको शुरू में इसलिए बता दिया कि पहली बार अगर देख लोगे तो आगे कभी दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ज्यादा टाइम देने की। तो ये रिएक्शंस आपको समझ में आ रहे हैं भैया, मैकेनिज्म बताए चल के? यस सर। अच्छा बहुत अच्छे दोस्त। यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त। मैकेनिज्म दो होती हैं जो आपने एक बुक्स में देखा होगा, नॉर्मल और कुछ स्टैंडर्ड ऑथर वाले लिखते हैं। मैकेनिज्म वाला जो तरीका है तो वो देखो जरा ध्यान से, वो लोग ये बताते हैं कि भाई आर सी एच ओ अगर आपने लिया हुआ है और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से उसकी रिएक्शन करा दोगे डाइथाइल ईथर में, पहले वही डाल दिया जाता है, पहले डाल दिया जाता है ये सारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाइथाइल ईथर में, थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर जो कुछ होना होता है हो जाता है, बाद में वाटर ऐड करते हैं, बाद में वाटर एक्चुअली में बाद में ऐड करते हैं। वाटर क्या करता है, बचे हुए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को कंज्यूम कर जाएगा। क्यों दोस्त? अरे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H- देता है मेरे भाई, वो वाटर से H+ ले लेगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को कभी भी वाटर में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसको स्टोर करोगे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जो H- है वो वाटर से H लेके H2 बना के एस्केप कर जाएगा। तो मेरे दोस्त इसीलिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को हम लोग वाटर में कभी भी स्टोर नहीं करते। तो यहाँ पे वाटर का क्या मतलब है, अबे ये मतलब है कि कार्बोनिल कंपाउंड पहले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जितना रिएक्ट कर सकता है रिएक्ट कर गया होगा, बाद में वाटर डालेंगे। तो बाद में वाटर डालने का फंक्शन क्या है, अरे जो बचा हुआ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है उसको कंज्यूम कर जाएगा। और क्या फंक्शन है, जो अगर कहीं पे H+ की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी दे देगा। मैकेनिज्म के स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये होते हैं कि आपने RCHO लिख दिया मैकेनिज्म के स्टेप्स में जो कि एल्डिहाइड है, और साथ में आपने उसके नीचे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिखा। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में वही प्रॉब्लम कि भाई उसके साथ H है, वो उनको रिलीज कर देगा, कह देगा जाओ यहाँ से, हम न्यूट्रल होना चाहते हैं, हम मेटल हैं एल्युमिनियम और तुम H हमारे पास आए हो, ये गलत बात है। तो रिलीज कर देगा और यहाँ से पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो पाई बॉन्ड जब टूट जाएगा भैया तो डाइथाइल ईथर सॉल्वेंट में ऐसे हो जाएगा, टूट जाएगा ना दोस्त। तो H- एल्युमिनियम से गया है और ये बन जाएगा H लग जाएगा कार्बन पे और O पे आ जाएगा माइनस। तो अगर जितना भी एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है उसमें ढेर सारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो सारा के सारा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोक्साइड के फॉर्म में। फिर उसके बाद आप वाटर डाल दो, वाटर डालोगे तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि एल्कोक्साइड बेस होते हैं, वाटर से H लेके कन्वर्ट हो जाएंगे दूसरे H में, मतलब OH बन जाएगा। और अगर एक्सेस में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बचा था तो वो भी वाटर से रिएक्शन करके H2 गैस बन के एस्केप कर जाएगा। तो इसमें ध्यान देने वाली चीज है कि जो अल्कोहल बना है उसमें अगर आप देखोगे तो हमने एक रेड पेन से बनाया हुआ है हाइड्रोजन और एक बनाया है ग्रीन पेन से हाइड्रोजन। तो रेड पेन वाला हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाला है, और ग्रीन पेन वाला हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, वो सॉल्वेंट वाटर वाला है। नीचे अगर D2O ले लेते तो वाटर ना लेते तो OD बन जाता, समझ रहे हो भैया? यस सर। अच्छा यस सर। हाँ एल्कोक्साइड बेस ने क्यों वाटर से रिएक्शन कर लिया, तो आप बोलोगे कि सर हम तो जानते हैं वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ बाकी बचे हुए अल्कोहल से ज्यादा होती है। तो अगर वाटर ज्यादा एसिडिक होता है, ये हम पहले भी टॉटोमेरिज्म में बता चुके हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर की अगर ज्यादा होती है अल्कोहल से, तो अगर आप RO- बना दोगे
तो वाटर तो इससे मच 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 मतलब बहुत 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 ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि अब तो ये बेस बन गया है, इसलिए हमने बोला आर ओ माइनस जो है वाटर से एच ले लेगा और बन जाएगा आर ओ एच। तो इतनी चीज होती है जो आप लोगों को समझ में आ रही है कि भैया ये ऐसे जरूरी है। आप चलिए देखिए आगे वाली चीजें, तो ये समझ गया। लेकिन इसमें क्या है, मैकेनिज्म इज अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये मैकेनिज्म ये नहीं बता पाते कि लिथियम, ये बचा हुआ जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो कहाँ जाता है। AlH3 बनेगा ना यहाँ पे, AlH3 को एलेन बोलते हैं, अगर आपने बोरॉन फैमिली पढ़ी है तो एक्चुअली पॉलीमराइज कर जाता है AlH3 होलेन एलेन, जैसे बोरेन होते हैं डायबोरेन होते हैं वैसे ही एलेन होते हैं। तो ये एलेन एक्चुअली बनता ही नहीं है, इसका मतलब ये मैकेनिज्म सही नहीं है, क्योंकि अगर इस तरीके करोगे तो एलेन को जस्टिफाई करना पड़ेगा, जो कि एलेन प्रैक्टिकली नहीं देखा जाता। तो मैकेनिज्म टू एक्चुअल मैकेनिज्म बता रहे हैं आपको कि आर सी एच ओ अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाइथाइल ईथर में डाला गया, फिर उसके बाद वाटर आपने ऐड किया, तो एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होती है। सबसे पहले वही चीज, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एच मूव करके पहुंच जाएगा एच पे, इस पे सी एच पे, तो सी एच पे पहुंच जाएगा और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो ए एल एच थ्री बचेगा, यहाँ पे वही ए एल एच थ्री, बिल्कुल ए एल एच थ्री बन रहा है। और आ गया ओ माइनस, तो ये जो ओ माइनस बना है, अभी हमने वाटर नहीं डाला है, तो जो ओ माइनस है हमने क्या बोला था, एल्डिहाइड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल के वेट करो, जो होना है होने दो। तो ये जो ओ माइनस है मेरे भाई, ये फिर एल्यूमिनियम हाइड्राइड पे रिएक्ट कर जाएगा, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अभी वाटर थोड़ी डाले हो, तो ये इस पे अटैक कर जाएगा, और जैसे इस पे अटैक किया ये नीचे वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये वाला एल्यूमिनियम पे आ जाएगा माइनस, और ऑक्सीजन पे पहले से ही माइनस था तो डोनर आइटम पे फिर एक प्लस बनता है, लेकिन माइनस प्लस मिलके ऑक्सीजन हो जाएगा न्यूट्रल। तो जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लेकिन एल्यूमिनियम पे फिर माइनस आ गया, तो एल्यूमिनियम पे माइनस आ गया उसको फिर वही बुरा लगेगा कि यार हमारे ऊपर माइनस चार्ज आ गया, तो फिर वो अपने एक हाइड्रोजन को फोर्स करेगा, जाओ बेटा तुम निकलो यहाँ से, एक हाइड्रोजन को फोर्स करेगा, तो उसका एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, निकल के किसी दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पे जाके अटैक करेगा। तो निकल के जब वो दूसरे किसी कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक कर रहा है, तो दूसरा वाला फिर वही, और फिर AlH3 बनेगा, और फाइनली आप देखोगे तो फिर वही AlH3 पे O का माइनस चार्ज अटैक कर जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। सॉरी, बताओ दोस्त। यस सर। मेरे भाई एक बात बताओ, जितनी बार O पे माइनस बनेगा उतनी ही बार AlH3 बनेगा, तो हर बार वही O पे माइनस जाके AlH3 पे अटैक कर जाएगा, ऐसे होते 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 सारे एल्यूमिनियम के चारों H रिप्लेस हो जाएंगे इसी से, O माइनस जो था नहीं वही अटैक कर जाएगा, ये लास्ट वाला प्रोडक्ट बनेगा, एल्यूमिनियम के सारे H रिप्लेस हो गए इससे। बताओ भैया यही एक्चुअल मैकेनिज्म है। तो सारे एच रिप्लेस हो गए उस पे एल्यूमिनियम वाले, मतलब रिप्लेस होके हो जाएगा ओ सी एच आर। और बाद में दोस्त अब एक काम करना, देखो हमने ये बोला था कि भाई आप कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें ढेर सारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड कर रहे हो इन डाइथाइल ईथर सॉल्वेंट में, तो जब तक वो दोनों आपस में रिएक्ट कर सकते हैं तब तक रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद ये लास्ट वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। अब आपके पास पता लग जाएगा कि भैया रिएक्शन रुक चुकी है, मतलब जितना होना था हो गई है, अब ले जाके आप वाटर ऐड कर दो, तो वाटर जब ऐड करोगे तो वाटर तो हाइड्रोलिसिस करेगा मेटल, और उसके साथ जैसे आप भाई AlCl3 की हाइड्रोलिसिस होती है वैसे ही, तो ये तोड़ देगा एल्यूमिनियम को, क्या दे देगा OH, दूसरे वाले को क्या दे देगा H, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया, और AlOH4- ये एक्चुअली में बनता हुआ देखा जाता है, इसलिए बोलते हैं कि एक्चुअल मैकेनिज्म यही है, पहले वाली अच्छी मैकेनिज्म नहीं थी, गलत मैकेनिज्म थी, क्योंकि उसमें एलेन बन रहा था, एलेन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, एलेन फिर फर्दर रिएक्शन करता है उसी एल्कोक्साइड आयन से, और एलेन एल्कोक्साइड जब तक बनते रहेंगे तब तक रिएक्ट करते रहेंगे, और फाइनली यही प्रोडक्ट बनेगा। लकीली फर्स्ट वाली मैकेनिज्म की ट्रिक से भी आंसर आ जा रहा था, इसलिए फर्स्ट वाली मैकेनिज्म याद कर लोगे तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया भैया ये सब? यस सर। यस सर।
ठीक है दोस्त, तो अब ये आपको समझ में आ गया कि एच कहाँ से आ रहा है और ओ कहाँ से आ रहा है। ये हो गया मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन से कुछ ये, और मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन जैसे अभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मैकेनिज्म बताइए, तो इसके बेसिस पे हमें इनके आंसर बता दो। ये चार क्वेश्चन लिखे, छह क्वेश्चन लिखे, पहले वाले में क्या आएगा दोस्त? आर, सर आर सी एच टू ओ डी ओ एच अच्छा हम ऐसे ही एक स्केलेटन बना दे रहे हैं आर सी एच ओ वाली, बाकी इन्हीं पे आपको फिट करना है अभी, कहाँ पे आएगा ओ एच, कहाँ पे आएगा ओ डी, कहाँ पे आएगा सी डी, और ये इस स्केलेटन में आपको फिट करना है कहाँ पे आएगा सी एच, कहाँ पे आएगा ओ एच, कहाँ पे आएगा ओ डी, बताओ दोस्त। अब एक एक करके एक काम करो, पहले वाले में क्या आएगा? आर सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच हाँ एच और एच लगेगा, दूसरे वाले में दोस्त सी एच डी और एच, डी और एच लगेगा, डी और एच लगेगा, थर्ड वाले में मैकेनिज्म में के साथ एच और डी, एच और डी लगेगा, फोर्थ वाले में डी डी, डी और डी, डी और डी मैकेनिज्म बेस्ड है, फोर्थ वाले में एच और डी, एच और डी, फिफ्थ वाले में डी और एच, फोर्थ डी और एच, आर सी डी होगा, ये लास्ट वाले में आर, अच्छा एक मिनट, लास्ट वाले में हे पहले से ही हाँ डी प्रेजेंट है, पहले से ही डी है यहाँ पे, है ना, तो उससे कोई मतलब थोड़ी है, पहले से ही डी है। तो ये हो गया मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस कि अगर आपसे कोई कार्बोनिल कंपाउंड पूछे, फिर से बता देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत वर्सटाइल है, वो अल्कोहल किनको किनको कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड को, कीटोन को, ईस्टर को, अनहाइड्राइड को, एसिड हैलाइड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, इपॉक्साइड या ऑक्सीरेन को, और सिनामिक सिस्टम को, इतनी चीजों को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन डाइएथाइल ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद वाटर ये कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। लेकिन आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन की रिएक्शन करा दोगे तो कन्वर्ट करा देगा अमीन में, रिकॉल करते रहो सोचो, आर सी ओ एन एच टू की रिएक्शन करा दोगे तो अमीन में, एन अल्काइल अमाइड की रिएक्शन करा दोगे तो फिर 2 डिग्री अमीन में, एन कॉमा एन डाई अल्काइल अमाइड की रिएक्शन करा दोगे तो 3 डिग्री अमीन में, आइसोनाइट्राइल की रिएक्शन करा दोगे तो फिर 2 डिग्री अमीन में, एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड की रिएक्शन करा दोगे तो अमीन में, अजाइड की रिएक्शन करा दोगे तो अमीन में, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड की रिएक्शन कराओगे तो एजो कंपाउंड में, ऑक्सिम्स की भी रिएक्शन करा दोगे तो उसको भी अमीन में कन्वर्ट कर देता है, वो लिखा नहीं है बता दे रहे हैं। तो इतनी चीजें आपको पता है, तो हम इसके आगे आपको चल के और कुछ बता रहे हैं, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मैकेनिज्म हम अभी अल्कोहल वाली पढ़ा रहे हैं ना, अल्कोहल बनाने वाली, तो ये आपको समझ में आ गया। सोडियम बोरोहाइड्राइड पे आ जाओ, लिथियम एल्यूमिनियम, अनलाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको पता ही है उतना पावरफुल होता नहीं है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ज्यादा पावरफुल था तभी तो वो सारी रिएक्शन देखे हो। सोडियम बोरोहाइड्राइड देखो देखो ये नीचे लिखा है, थोड़ी इसके बारे में कहानी लिखी है, सोडियम बोरोहाइड्राइड इज एन आइडियल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कोई बोले बस अभी और भी करता है एक दो चीजों को बता रहे, to give corresponding alcohol, the reaction are performed, these reactions are performed in polar solvents such as THF, DMF, diglyme, hydroxyl solvent and water, but ethanol is solvent of choice, कहीं कहीं ethanol लिखा रहता है या कहीं कहीं methanol लिखा रहता है, मतलब कहीं भी सोडियम बोरोहाइड्राइड लिखा रहेगा तो उधर मेथनॉल एथनॉल, जैसे अभी तक नीचे वाटर लिखते थे, अरे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाले केस में नीचे क्या लिखते थे, वाटर, वहां पे क्या लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे मेथनॉल या एथनॉल, ये होता है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड एक्चुअली में माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, उतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता जितना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हुआ करता था। क्या करता है ये नीचे देखिए, अनकंजुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं, आर रैपिडली रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू कंजुगेटेड कार्बोनिल ग्रुप दैट मे बी
प्रेजेंट एल्सवेयर इन द मॉलिक्यूल। देखो दोस्त, ऐसा होता है, कॉन्जुगेटेड वाला थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाता है ना, हमेशा हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम थोड़ा स्टेबल सिस्टम है, तो रिएक्ट करने का रेट कम होता है, उसके बेसिस पे इसको याद कर सकते हो। खैर उसका उतना ज्यादा मतलब नहीं है, रिडक्शन उसका भी हो जाता है। लेकिन आपको तो ये समझ में आ रहा है ना, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, है कि नहीं बच्चा? सॉल्वेंट मेथनॉल एथेनॉल लिखा जाएगा, लेने को और भी ले सकते हैं। तो कोई बोले अच्छा माइल्ड है तो किनको रिड्यूस करता होगा, बस ये तीन चीजें लिखी हैं। वैसे होने को तो आगे चल के आपको बताएंगे हम कि जो शिफ्ट बेस होते हैं इमीन्स, उनको भी रिड्यूस करता है, लेकिन क्या जरूरत है अभी आप इतना देखो, जब आगे आएंगे तो बता देंगे। ये जो लिखे हुए हैं एल्डिहाइड कीटोन और एसिड हैलाइड, कोई बोले क्या ईस्टर को रिड्यूस करता है, बिल्कुल नहीं करता, जब नहीं लिखा तो नहीं करता। कोई बोले क्या अनहाइड्राइड को रिड्यूस करता है, बिल्कुल नहीं करता, ना ईस्टर को ना अनहाइड्राइड को। कोई बोले सर सिनामिक सिस्टम को रिड्यूस करता है, सिनामिक सिस्टम बोले तो पीएच सीएच, तुम लोग बताओ क्या करता होगा? नहीं करता सर। ऐसे बोलो दोस्त कि करता है सिर्फ सीएचओ को करता है, उस डबल बॉन्ड को नहीं करता। यस सर। अरे सीएचओ को तो करेगा ही भैया, स्लो रेट से करेगा, भले ही स्लो रेट से करेगा, लेकिन वो डबल बॉन्ड जो लिखा हुआ है वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत पावरफुल था, इसलिए डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता था। ये सिर्फ एल्डिहाइड को करेगा, हमने लिखा है ना पहले ही पॉइंट में, एल्डिहाइड को, कीटोन को, मतलब वो ग्रुप्स कहीं भी हो, कंजुगेटेड हो नॉन कंजुगेटेड हो, बस नॉन कंजुगेटेड होते हैं थोड़ा जल्दी कर देता है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत पावरफुल था, सबको रिड्यूस करता था, सोडियम बोरोहाइड्राइड लेस पावरफुल है, इसलिए वो सिर्फ एल्डिहाइड को, सिर्फ कीटोन को और सिर्फ एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है। अब एरो पे आइए, सॉल्वेंट देखिए ऊपर क्या लिखा है, NaBH4 न्यूमरेटर में लिखा है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, मेथनॉल एथेनॉल डिग्लाइम एडीएमएफ, मेथनॉल एथेनॉल वाटर एडीएमएफ, मतलब मेथनॉल भी लिख सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी लिखा हो तो आप बोलोगे सोडियम बोरोहाइड्राइड का फंक्शन हमको यूज करना है, वो भी एच एच देख के रिड्यूस कर देगा, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करता था। लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत सारों को रिड्यूस करता था, ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। मैकेनिज्म इज सिमिलर लाइक इन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी अपना एच रिड्यूस कर, अपना एच दे देगा सी डबल बॉन्डों को, और देने के बाद वो ओ पे माइनस बन जाएगा, और ओ पे माइनस जो होगा वो आके वही यहाँ भी BH3 बनता है। एक्चुअल मैकेनिज्म में जो BH3 बनता होगा वो फिर वही अल्कोक्साइड है, इस पे अटैक करेगा, बोरॉन पे माइनस आएगा, एंड सो ऑन, या फाइनली आप कह सकते हो कि बाद में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आएगा, वो एच दे देगा। तो कार्बन के पास जो एच आया है, कार्बन के पास वो बोरॉन वाला एच है, और जो हाइड्रोजन के पास एच आया है वो सॉल्वेंट वाला एच है। समझ गए बच्चा? यस सर। यस सर। ठीक है, सुनिए रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में हम बता रहे हैं। हमने आपको बताया था सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, सबको रिड्यूस कर देता है, किन किन को करता है वो आपको हमने बता दिया है। सोडियम बोरोहाइड्राइड लेस पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, उतना ज्यादा चीजों को रिड्यूस नहीं कर पाता वो, जितना कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किया करता था। फिर क्या करता है दोस्त, ये ऊपर हमने आपको बता दिया। अगली चीज होती है बोए ब्लांक रिडक्शन, सोडियम एथेनॉल ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, बर्च रिडक्शन में इसका रोल हमने आपको दिखाया था। जैसे सोडियम लिक्विड अमोनिया, आप लोग जानते हो कि सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डाल दिया तो लिक्विड अमोनिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, तो इसका मतलब सोडियम को किसी और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाल दो तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा ना, तो हमने वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एथेनॉल ले लिया। अमोनिया में प्रॉब्लम क्या थी कि अमोनिया इनऑर्गेनिक होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिजोल्व होने में उसको प्रॉब्लम आती है, तो ऑर्गेनिक प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता,
तो अगर आप बेटर चाहते हो तो सोडियम एथेनॉल ले लो, मेथेनॉल ले लो, तो हमने एथेनॉल ले लिया। इसको बोलते हैं बोए ब्लांक रिडक्शन या बउए ब्लांक रिडक्शन, बी ओ यू बउए वी ई ए से बउए, याद करने में। ये ए यू एल टी साइलेंट होता है तो इसे बउए ब्लांक रिडक्शन कह सकते हो, इसको बी एल ए एन सी बउए ब्लांक रिडक्शन या बुए ब्लांक रिडक्शन, ठीक है दोस्त, याद रहेगा ये? यस सर, यस। अच्छा, यस सर, बहुत बढ़िया दोस्त, ठीक है। ये भी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है भाई, सोडियम बोरोहाइड्राइड जितना ही होता है ये भी, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से थोड़ा सा डिफर करता है ये। देखो एल्डिहाइड भी रिड्यूस हो जाता था सोडियम बोरोहाइड्राइड से, बउए ब्लांक से भी, कीटोन भी रिड्यूस हो जाता है सोडियम बोरोहाइड्राइड से, बउए ब्लांक से भी। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड में एक खास बात होती थी, एसिड हैलाइड, यहाँ पे तीसरा क्या है, ईस्टर। यही दोनों में डिफरेंस का मेन आपको पॉइंट दिख रहा होगा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर सकता है, ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता। और जो ये बउए ब्लांक है या बउए ब्लांक रिडक्शन है, ये ईस्टर को रिड्यूस कर सकता है, एसिड हैलाइड को रिड्यूस नहीं करता। बस तीन तीन चीजें याद रखो, हमने आपको ना सिर्फ ऐसे सिमेट्री बना बना के याद करने का तरीका बताया है। सोडियम बोरोहाइड्राइड एक्चुअली में एक आध चीजों को और भी रिड्यूस कर सकता है, लेकिन क्या है, पहले इतना तो याद करे कोई, तो धीरे धीरे चल के कार्बोनिल कंपाउंड में बता देंगे और हाँ एक आध चीजें होती है। तो कुल मिला के ये होता है कि ये भी तीन चीजों को रिड्यूस करता है, सोडियम एथेनॉल, बुए ब्लांक रिडक्शन, और वो भी तीन चीजों को रिड्यूस करता है। समझ रहे हो भाई आप? यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया दोस्त। हाँ तो दोस्त ये रिड्यूस करके पहुंचा देगा इन सबको एल्कोहल में। तो अल्कोहल का मतलब, अच्छा ये जो रिडक्शन का प्रोडक्ट होता है, हाँ रिडक्शन के प्रोडक्ट पे कंफ्यूज ना होना, रिडक्शन का प्रोडक्ट चाहे लिथियम, इन तीनों के रिडक्शन का प्रोडक्ट, चाहे जो अल्कोहल बना है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाला ही प्रोडक्ट है अल्कोहल, वही इन दोनों में बनाना है आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड और ये सोडियम एथेनॉल वाले केस में। मैकेनिज्म इसकी जाननी जरूरी होती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन भी आता है, फ्री रेडिकल भी आता है, नेगेटिव चार्ज भी आता है इसकी मैकेनिज्म में। तो हम एक काम करते हैं, ऐसी मैकेनिज्म बता रहे हैं तीसरे वाले रिएक्शन की, इसमें थर्ड वाले रिएक्शन की मैकेनिज्म बताने में अच्छा बात यह है कि पहले वाले दोनों कवर हो जाएंगे उसी में, क्योंकि बीच में इन स्टेप्स में एल्डिहाइड कीटोन बनता है। तो हमने क्या किया है, ये थर्ड वाली ईस्टर की रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको बता दी, जिससे क्या होगा ऊपर के जो बची हुई दोनों मैकेनिज्म है वो कवर हो जाएंगे। इसे क्या होता है, इसमें सबसे पहले आता है ईस्टर। ईस्टर आपको पता है क्या है, आर सी डबल बॉन्ड हो ओ आर डैश, इसकी होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं पाई बॉन्ड की। होमोलिटिक क्लीवेज पाई बॉन्ड की क्यों करते हैं, क्योंकि भैया सोडियम से एन ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन आता है, तो सोडियम से एन ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या होगा उससे भाई, जो आपने जैसे हमने बर्च रिडक्शन में पढ़ाया था कि भैया लिक्विड अमोनिया होता है या एथेनॉल होता है, उसमें सोडियम आयनाइज करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जाएगा अटैक करने के लिए सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश पे। तो सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश पे जब अटैक करने जाएगा तो जो वीकर बॉन्ड होगा उस पर अटैक करेगा, तो हमने ग्रीन पेन से दिखाया है, देखो जरा ग्रीन पेन से, वो इलेक्ट्रॉन गया तो भैया पहले तो उसको देख के, उस इलेक्ट्रॉन को आता हुआ देख के पाई बॉन्ड ने होमोलिटिकली अपने आप को ब्रेक कर लिया, क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमने आपको तीन तरीके बताया था, किसी इलेक्ट्रोफाइल या किसी न्यूक्लियोफाइल या किसी फ्री रेडिकल को देख के मल्टीपल बॉन्ड कैसे टूटता है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज को देख के अगर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगेगा किसी पाई बॉन्ड में तो हेट्रोलिटिक मैनर में लगता है, और फ्री रेडिकल को आते हुए या एक इलेक्ट्रॉन को आते हुए देख के जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगता है वो होमोलिटिक मैनर में होता है, ठीक है। तो ये कार्बन के पाई बॉन्ड ने अपने आप को तोड़ लिया होमोलिटिक मैनर में, तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा ऑक्सीजन पे, एक इलेक्ट्रॉन आएगा कार्बन पे। अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को बोलेगा आओ बे आओ हमारे पास आओ, क्योंकि हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन के पास मत जाना। तो ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगा और एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा,
साइमल्टेनियसली कार्बन पे एक फ्री रेडिकल बना रहेगा. कार्बन के रेडिकल, कार्बन पे रेडिकल की प्रेजेंस रहेगी और साथ साथ ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज बन गया होगा. ठीक है भैया, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज. यस सर. अब जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज बना है, जैसे बर्च रिडक्शन में होता था कि पोलर प्रोटिक मीडियम से एच ले लेता था, तो ये ऑक्सीजन पे माइनस जाके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से एच ले लेगा, और एच ले लेगा तो खुद वहां पे एक एच लग जाएगा ऑक्सीजन पे. अभी कार्बन वाला फ्री रेडिकल अनअटेंडेड है. ऐसा ही बर्च रिडक्शन में भी होता था. बर्च रिडक्शन जैसे मिलती जुलती रिएक्शन है जो लास्ट क्लास में पढ़ाए थे. तो मेरे भाई, जो कार्बन पे रेडिकल अभी बचा हुआ है वो एक सोडियम से इलेक्ट्रॉन फिर एक्सेप्ट कर लेगा. ये सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन ये आएगा, इसको मिल जाएगा. सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो कार्बन को आके मिल जाएगा, और कार्बन पे जब मिल जाएगा तो कार्बन पे एक और माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा माइनस चार्ज, रादर जो नया माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा. और फिर ये कार्बन माइनस फिर अगेन किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो आपने एथेनॉल लिया हुआ है उससे एच ले लेगा. यही तो सेम बर्च रिडक्शन में होता था. दोनों स्टेप सेम है ना भैया? यस सर. बहुत अच्छे दोस्त. और यहाँ से आपको समझ में आ गया कि अब दो दो एच आ गए, और दोनों एच सॉल्वेंट से आए हैं. ये ग्रीन पेन से हम बता रहे हैं नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में. सॉल्वेंट से आने हुए वाले एच कार्बन पे भी आ गया और ऑक्सीजन पे भी आ गया, दोनों जगह आ गया. अब फिर क्या होगा? ये हेमी एसिटल ग्रुप है. हेमी एसिटल ग्रुप आप लोग जानते हो, एक कार्बन पे एक OH और एक OR लगा होता है. एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते हैं तो आपको पता है वो निकल जाते हैं, अनस्टेबल होते हैं. तो मेरे भाई ऐसा ही इसमें होता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर बैक अटैक करेगा जिससे कि OR डैश लीविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा. और OR डैश निकल जाएगा तो ये क्या बना भैया, एक एक प्रोडक्ट क्या बनेगा? कुछ एल्डिहाइड टाइप से दिख रहा है आपको जो हम ऐसा सर्कल कर रहे हैं, और दूसरा आर डैश ओ माइनस. आर डैश ओ माइनस फिर इस एच को आपस में खींच लेगा और बन जाएगा आर डैश ओ एच. तो एक काम तो आपका कंप्लीट हो गया कि एक अल्कोहल बन गया, और दूसरा वाला क्या रह गया? एल्डिहाइड. तो इसका मतलब है ईस्टर की जब तुम बुए ब्लांक रिडक्शन करते हो तो सबसे पहले एल्डिहाइड और एल्कोहल बनते हैं. अब एल्डिहाइड फिर ड्रामा करेगा, क्या कहेगा? सोडियम से कहेगा हमको इलेक्ट्रॉन दो. सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आता हुआ देख के जो C डबल बॉन्ड हो है, फिर उसमें होमोलिटिक क्लीवेज होगी. सर होमोलिटिक क्लीवेज क्यों होगी इसमें जब C और O में इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है? बिल्कुल सही पूछ रहे हो. तो C और O में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, लेकिन जब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आपका नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होता है तो हेटरोलिटिक क्लीवेज कर दोगे. अभी अगर तुमने हेटरोलिटिक क्लीवेज कर दिया, मान लेते हैं हेटरोलिटिक क्लीवेज कर दिया, जैसे इन्होंने बोला सर हम हेटरोलिटिक क्लीवेज करेंगे, हम इसलिए होमोलिटिक बता रहे हैं कि कंफ्यूज ना हो जाओ. चलो देखो दोस्त, यहीं से देखना अभी, हम इससे आगे नहीं. ये बोल रहे हैं सर हम हेटरोलिटिक क्लीवेज कर देंगे, तो इनकी जो भावनाएं है उसका ध्यान में रखते हुए हमने इसको तोड़ दिया. तोड़ दिए तुम तो क्या बनेगा? कार्बन पे प्लस आ जाएगा. यस सर. प्रोडक्ट वही आने वाला है ध्यान रखना, और O पे आ जाएगा माइनस. लेकिन आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन. तो क्या वो हेलो समझ में आ रहा है? यस सर. आने वाला अगर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पे जाएगा या नेगेटिव चार्ज पे जाएगा? पॉजिटिव पे जाएगा ना. तो इसका मतलब है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो फ्री रेडिकल आ जाएगा. और दोस्त वो यही वाला तो बना हुआ है. यस सर समझ गए. तो फाइनल आंसर तो वही आ रहा है, चाहे आप हेटरोलिटिक करो चाहे होमोलिटिक करो. लेकिन कन्वेंशन क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आता है तो हेटरोलिटिक मैनर में तोड़ते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो होमोलिटिक मैनर में करते हैं. समझ में आ रहा है दोस्त? आंसर तो वही बन रहा है. यस सर समझ गए. ठीक है, बाकी किसी को और डाउट हो तो पूछ लेना भैया. हम तो वो बताते हैं कि कभी गलती ना हो, ऐसे ही बता सकते हैं, तो कुछ ऐसा थोड़ी. तो ये बन गया, और फिर उसके बाद एथेनॉल से एच खींच लेगा और ये फाइनली ये बन गया और अल्कोहल आ जाएगा. बताओ दोस्त किसी को प्रॉब्लम है इसमें? फाइनली किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर. नो सर.
हाँ दोस्त, ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया इसकी रिएक्शन। होमोलिटिक वाला इसलिए करते हैं क्योंकि जब फ्री रेडिकल आता है या इलेक्ट्रॉन आता है तो दिखाना चाहिए ना उसको, ये फील हो कि सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है। एटोमिटिक कर दोगे आंसर तो आ ही जाएगा तभी। तो इसका मतलब फाइनली आपने क्या देखा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड तीन चीजों को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड को। अब बहुए ब्लांक रिडक्शन तीन चीजों को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड, कीटोन और ईस्टर को एल्कोहल्स में। फिर आता है अगला रिड्यूसिंग एजेंट H2 निकल। ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को H2 निकल तोड़ता है, एल्डिहाइड को तोड़ देता है ये एल्कोहल में, कीटोन को तोड़ देता है एल्कोहल में HH देके। बाकी सब में थोड़ी कंफ्यूजन है या स्लो रेट है, उनको मत लिखना। लिखा क्या है नीचे, एसिड या ईस्टर या एसिड एनहाइड्राइड्स आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस बाय H2 निकल। कोई बोले होता नहीं है क्या, नहीं होता है, डिफिकल्ट टू रिड्यूस होते हैं, इसलिए उनको लिखा नहीं गया, उनपे कंडीशंस लगती हैं। और फिर एक इम्पोर्टेंट चीज आती है डाइबा, डिवा, ये जे मेन वाले बड़ा इसके पीछे पड़े रहते हैं। सर ये आया था नाइट्राइल वाला केस मेरी शिफ्ट में, सी ट्रिपल बॉन्ड एन वाला केस ना, यस सर, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है इसको, बता रहे हैं अभी आपको। यहाँ पे डाइबा, सुनो हमारी बात सुनो, इस जगह पे हम आपको डाइबा का दूसरा रोल बता रहे हैं। तुम बोलोगे सर और कहाँ से रोल आएगा, अभी हम आपको रोल बताएंगे। ये जैसे इन्होंने बताया नाइट्राइल का, सी ट्रिपल बॉन्ड एन का, तो डाइबा जो होता है जितने भी सी ट्रिपल बॉन्ड एन होते हैं, अभी पहले इसको बता रहे हैं, डी आई बी ए एल एच ऐसे, ये कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में, सी एच ओ में। लेकिन ये कार्बोनिल कंपाउंड का पार्ट है, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाएंगे आपको, अभी क्या है हमको बताने दो, है ना दोस्त। देखो डाइबा कैन बी यूज टू प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन एट नॉर्मल टेम्परेचर। देख लो मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत लोग हमको चैलेंज करने लग जाओगे, नहीं नहीं सर ये आपने क्या बता दिया, ऐसा बाप कर दिया, ऐसा होता नहीं है, जो लिखे हैं हम उसको देख लो, बहुत हम रिसर्च करके लिखे हुए, नहीं तो हम जबरदस्ती नहीं लिखेंगे दोस्त। और जो आप ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन को सी एच ओ में कन्वर्ट करने वाली चीज बता रहे हो, ये बहुत लो टेम्परेचर पे होती है, -70 के आसपास होती है वो, अभी बता रहे। रूम टेम्परेचर पे अगर डाइबा की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन, सिर्फ इन्हीं दोनों से कराने की बात होती है, एल्डिहाइड कीटोन से कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है RCH2OH में, और RCH2OH में ये कभी नहीं पूछा गया IIT में, ये कभी पूछा ही नहीं गया। क्या पूछा गया है, ये नीचे वाला पूछा गया है ये, और यही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे गए हैं IIT में। ऊपर वाले भी याद कर लो भाई, वो नहीं पूछे गए हैं तो पूछे नहीं जा सकते क्या, पूछे जा सकते हैं कभी। लिखा इफ टेम्परेचर इज लो, भाई बहुत रिसर्च मतलब स्टैंडर्ड बुक से देख के बनाया, हमें कुछ थोड़ी पता, हम साइंटिस्ट या केमिस्ट थोड़ी हैं दोस्त, हम भी पढ़ते हैं तुम्हारे तरीके, तो हम ये क्या है, पढ़ने का तरीका हमारा दूसरा होता है कि भाई जेई के जो आए हुए क्वेश्चन है किस बुक से आए होंगे, वो कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया गया, उसके आसपास और कौन सा वैसा कॉन्सेप्ट है, वो चीजें पढ़ के तुम्हें पढ़ाते हैं। तो वही चीज लिखी है भाई, अब जेई में ये आया हुआ है किसी बुक से कि भाई एल्डिहाइड को सी ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करके क्या बनाएगा, तो वही बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि रूम टेम्परेचर पे कराओगे तो एल्डिहाइड और कीटोन को फर्दर रिड्यूस कर सकता है वो एल्कोहल्स में, इसलिए उसको हमने बता दिया। दोबारा कोई पूछ ले तो जेई वाले ही पूछ ले तो आप कभी डरो नहीं, पहले तो ये देख लो जो अभी यहाँ पे नीचे ब्लैक पेन से बता रहे हैं, -70 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास कराओगे, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाइबा लो लोगे, डाइबा उस तो हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ दो चीजें होती हैं जो रिड्यूस होती हैं, कौन कौन सी, एक तो ये ईस्टर, एक होता है नाइट्राइल। ईस्टर और नाइट्राइल डाइबा से रिड्यूस हो जाते हैं और एल्डिहाइड में चले जाते हैं। कोई बोले डाइबा होता क्या है, और तुम लोग को तो बताए नहीं डाइबा क्या होता है, जानते हो ना ऊपर लिखा हुआ डाइबा, यस सर, चलो कोई बात नहीं हम बता रहे हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये देखो डाइबा ये होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, AlH3, उसमें हमने दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा दिए, आइसोब्यूटाइल
तो जैसे ये होता है, ये लिखा है सही आइसोब्यूटाइल ग्रुप, तो इसको दोनों तरफ लगा दिए तो इसको बोलते हैं कि भैया डाइबा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डिबा भी बोलते हैं इसको कुछ लोग, डिबा या डाइबा। हाइड्रोलिसिस जरूरी है, बिना हाइड्रोलिसिस के पूरी रिएक्शन नहीं बोली जाएगी। तो लो टेम्परेचर इज यूज्ड टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ जो कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म्ड। अगर आपने रूम टेम्परेचर कर दिया या हाई टेम्परेचर कर दिया तो जो कार्बोनिल कंपाउंड बने हुए हैं इन दोनों के रिएक्शन में, नाइट्राइल की और ईस्टर की रिएक्शन में, वो फर्दर रिड्यूस हो जाएंगे। वही हमने यहाँ पे पॉइंट्स बना के लिखा भी हुआ है, देखिए जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। लो टेम्परेचर इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स फॉर्म्ड। तो ये डाइबा के बारे में पूछा गया है, दो बार पूछा गया है। तो दोस्त क्या है कि अगर ऐसी रिएक्शन फिर आएगी तो आप ये लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर वाला भी याद कर लो। लो टेम्परेचर पे ही पूछा है उन्होंने, नाइट्राइल और ईस्टर वाला। तो आपने क्या क्या देखा अभी तक? आपने देखा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बड़ा खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट होता है भाई, सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है अगर नाइट्रोजन नहीं है तो। क्या क्या करता था वो? एल्डिहाइड को, कीटोन को, ईस्टर को, अनहाइड्राइड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, इपॉक्साइड को, ऑक्सीरेन्स जो होते थे उनको, और इसको क्या नाम है उसका, सिनामिक सिस्टम को पूरा का पूरा रिड्यूस करके वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता था। फिर उसके बाद बात आती थी उसकी भाई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में नाइट्राइल्स को आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन को अमीन में कन्वर्ट करता था, आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी को 2 डिग्री अमीन में कन्वर्ट करता था, नॉर्मल अमाइड एन अल्काइल अमाइड एन कॉम एन डाइल अमाइड इन सबको रिड्यूस करके कन्वर्ट करता था अमीन्स में। और फिर उसके बाद उसके नाइट्रो कंपाउंड को अजाइड को भी रिड्यूस करता था अमीन में, उसी में ऑक्सिम्स को भी रिड्यूस करता है अमीन में, और ऐसे एंड सो ऑन। आपने देखा सोडियम बोरोहाइड्राइड पे आए तो एल्डिहाइड को, कीटोन को और एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है अमीन में। फिर उसके बाद बहुए ब्लांक रिडक्शन पे आए थे आप, तो एल्डिहाइड को, कीटोन को और ईस्टर को रिड्यूस करता है, सॉरी अल्कोहल में करता है, अल्कोहल में अमीन गलती से बोल दिया, अल्कोहल में। और फिर उसके बाद आपने देखा ये डाइबा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूस करता है ईस्टर्स को और नाइट्राइल्स को करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में लो टेम्परेचर पे। लेकिन आप बोलोगे अल्कोहल पढ़ा रहे हो, तो अगर यही लो टेम्परेचर की बजाय रूम टेम्परेचर कर दिया जाए तो जो एल्डिहाइड्स बनने हैं वो रिड्यूस होके कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहल में। इतना समझ में आ रहा है बच्चा सब? कोई बहुत लोग ऐसे पूछते हैं, पहले हम नहीं बताते थे इसको डाइबा के मैकेनिज्म, कभी कभी हर बैच में दो चार लोग ऐसे होते हैं, पांच लोग बड़े क्यूरियस टाइप के लोग, तो उसके चक्कर में हमें डाइबा की मैकेनिज्म भी लिखनी पड़ गई या बता भी देते हैं कभी कभी क्लासेस में। ये मैकेनिज्म लिखी हुई है हाइड्रोलिसिस अंडरस्टूड है इसमें कि भैया ये एल्यूमिनियम डाइबा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, मान लो ईस्टर है, ईस्टर का ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, देख लोगे इसको अगर मन करे देख लेना, ठीक है बच्चा कि बताएं लाइन से समझ लोगे, देख लेना दोस्त। तो ईस्टर की और नाइट्राइल वाला देख लो, ये वाला नाइट्राइल में क्या है जैसे ये पूछ रहे हैं, तो भैया आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन में नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर जब अटैक करेगा एल्यूमिनियम के वेकेंट ऑर्बिटल में, तो वेकेंट ऑर्बिटल में करेगा तो भैया एल्यूमिनियम पे माइनस आ जाएगा, नाइट्रोजन प्लस चार्ज आ जाएगा डोनर रिसेप्टर वाले कॉन्सेप्ट से। अब एल्यूमिनियम पे माइनस चार्ज आ गया तो जब एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज हो गया वो टेंशन में आ जाएगा, बोलेगा भैया इस हाइड्रोजन को तुम निकलो यहाँ से, क्योंकि एल्यूमिनियम पे माइनस चार्ज वही जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला कॉन्सेप्ट था कि भाई मेटल है वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं बनाना चाहता, वो निकाल देगा उसको, तो वो एच माइनस कहाँ जाएगा, कहीं और कोई तो है नहीं उसको बाहर अटेंड करने के लिए, वो उसी के कार्बन पे जाके अटैक कर देगा। उससे एक बेनिफिट ये हुआ कि ये पाई बॉन्ड टूट के जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रल हो जाएगा और उसकी वजह से ये नीचे वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा जहाँ पे कार्बन पे एच लगा हुआ नजर आ रहा है। फिर हाइड्रोलिसिस करा दो, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये जो ये सी एच डबल बॉन्ड एन एच बॉन्ड है ये टूट जाएगा
टूट जाएगा तो भैया उसमें एन एच टू बन जाएगा और ए आर सी एच ओ। समझ में आ रहा है दोस्त? हेलो हेलो, यस सर, यस यस। ये होता है। हाँ दोस्त, तुम बाकी मैकेनिज्म आप देख सकते हो जो हमने आपको बताया। तो ये आपको समझ में आ गया कि क्या क्या रिएक्शंस है। आपने रिड्यूसिंग एजेंट्स बहुत सारे देखे, नए नए भी देखे। हो सकता है आप लोगों को ना पता रहा हो, ट्वेल्थ पास में हो फिर भी नहीं पता रहा हो, या पता रहा होगा तो अच्छा है। लेकिन ये सारे कोई भी वेस्ट नहीं है, इनमें से सब पूछे गए हैं, सब के सब कभी ना कभी पूछे गए। और ये मेन में तो अब तो घुस घुस के डाइबा दे रहे हैं, दो तीन बार दे चुके हैं। मतलब अगर पुराने पेपर्स देखोगे तो तुमको लगेगा कि पूछा गया है कई बार। फिर देखिए एफ वाले पार्ट पे आते हैं। तो कोई बोले कि ये तो भाई ग्रिगनार्ड रिएजेंट टाइप से आप बता रहे हो। बिल्कुल, अभी तो पढ़ाया था हमने पिछली क्लासेस में, लास्ट टू लास्ट क्लास में, कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम लाइक एक्वस एन एच फोर सी एल या कोई एसिडिक बफर या वाटर। आपको ये भी बताए थे हाईली एसिडिक मीडियम क्यों नहीं लेते, क्योंकि जो अल्कोहल बनता था फर्दर डिहाइड्रेट न कर जाए, इसलिए हाईली एसिडिक मीडियम नहीं लेते। ये रिएक्शन कब पढ़ाई थी? ग्रिगनार्ड रिएजेंट एज न्यूक्लियोफाइल जब पढ़ाया था अराइल हैलाइड, तो हमने आपको बताया था ये अल्काइल हैलाइड में, कि भाई ये एल्डिहाइड से, कीटोन से, ईस्टर से, अनहाइड्राइड से, एसिड हैलाइड से रिएक्शन करके अल्कोहल बना देता है। हाइड्रोलिसिस करनी जरूरी होती है। CO2 से रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, SO3 से रिएक्शन करके सल्फोनिक एसिड बना देगा। कुछ याद आ रहा है? यस सर, यस सर। हाँ दोस्त, तो ये हमने बताया था आपको। तो एल्डिहाइड से रिएक्शन करोगे तो आपको बताया गया है 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल, ईस्टर से मिक्सचर ऑफ अल्कोहल। एरो पे क्या लिखते हैं? आर एम जी एक्स इन डाइथाइल ईथर, ड्राई कंडीशन में ड्राई ईथर, बाद में एक्वस एन एच फोर सी एल एसिडिक बफर या वाटर, जिससे कि जो अल्कोहल बना है बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज, डिहाइड्रेट न कर जाए। फिर से बताएं कि कर लोगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट एज न्यूक्लियोफाइल, अभी पढ़ाए हैं तुम लोगों को डिटेल में, एक क्लास लगी थी इसको बताने में। यस सर, वही लिखा है ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड चैप्टर, अभी पढ़ाया तुम लोगों को, तो ये ज्यादा से ज्यादा दो क्लास हुई है, तो उसको जाके देख लेना, सब कहानी लिखवाई गई थी। रिवाइज अराइल हैलाइड फॉर मोर सिमिलर रिएक्शंस, ऐसे ही। तो ये भी हो गया। हम तो अल्कोहल की प्रिपरेशन बता रहे थे ना, तो अल्कोहल की प्रिपरेशन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, अनहाइड्राइड एंड सो ऑन, उनसे करा रहे हैं। तो रिएजेंट्स आपको पता है, रिएजेंट्स कोई भी ले लो, बस अबे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, अनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, इन सब से हमें अल्कोहल बनता हुआ नजर आना चाहिए। तो जो रिएजेंट ले रहे हो उन्हीं रिएजेंट्स के लेके तो बता रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ इतने पार्ट हो गए। जी पार्ट पे आइए, थोड़ा नया है, इसको अभी तक हमने नहीं पढ़ाया तुम्हें। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद MgHg, मैग्नीशियम अमलगम बोलते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मैग्नीशियम अमलगम फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो भाई ये जैसे आपका लिखा है RC डबल बॉन्ड, आर कीटोन है ये, इसके मैग्नीशियम अमलगम से रिएक्शन करा दो पहले, मतलब मैग्नीशियम अमलगम इसमें डाल दो या इसको मैग्नीशियम अमलगम में डाल दो, जो होना है हो जाए, उसके बाद वाटर डाल दो उसमें। तो बोलते हैं जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है। अभी मैकेनिज्म से देखना, मतलब दो मॉलिक्यूल कपल हो जाते हैं इसके, जो ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड है उसके दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं विसिनल डायोल, या इसी का नाम पिनाकॉल होता है। लास्ट में देखो ओ एल लिखा है, ओ एल पिनाकॉल, विसिनल डायोल है ना, बगल बगल वाले कार्बन पे OH OH लगे हैं, इसको विसिनल डायोल बोलते हैं, या इसी का नाम होता है पिनाकॉल। आगे चल के अभी पिनाकॉल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ाएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले बनाना कौन चाहिए पिनाकोल। पिनाकोल बनाना आना चाहिए आपको, या पिनाकॉल जो लिखा हुआ है। तो कैसे आप बनाओगे ट्रिक,
अगर हम आपसे बोले ठीक है आपने ये ले लिया और इससे प्रोडक्ट ये बना दिया दो मॉलिक्यूल जोड़ के, तो एसीटोन में दोनों आर क्या है, CH3 CH3, क्या समझ पा रहे हो एसीटोन वाला प्रोडक्ट ऐसे बना है, है बच्चा? यस सर, यस सर। हाँ हाँ दोस्त, पीएच सीओ सीएच थ्री में अगर आओगे तो वहां भी प्रोडक्ट ये आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बनाया हुआ है पीएच सीओ सीएच थ्री में। और मेरे दोस्त यहाँ पे आओगे अगर साइक्लोब्यूटेनोन में तो आप ये वाला पिनाकोल बना लोगे। आप पहले जितने भी लोग हो, जैसे बहुत सारे लोग हो सकता है पहले देख रहे हो, मतलब क्योंकि कुछ लोग हो सकता है नहीं कोचिंग वोचिंग कभी किए हो, तो हमको बता दो भैया कि ये पिनाकोल एक तरह से वही एक पैटर्न सा नहीं फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है कि भाई दोनों आर आर ग्रुप को एक साइड कर देना, ये आर और आर ऐसे, और सी डबल बॉन्ड को तोड़ के OH बना देना है और दोनों को जोड़ देना है दो दो मॉलिक्यूल को आर आर ऐसे ही करके। तो वैसे ही आप भाई आर आइडेंटिफाई अगर कर ले रहे हो तो सी डबल बॉन्ड ओ वाला सेगमेंट जोड़ देना है, ऐड कर देना है। बताओ अच्छा सब लोगों को समझ में आ गया, बना लोगे सारे पिनाकोल? यस सर। ठीक है दोस्त, चलो तो मैकेनिज्म देख लेते हैं इसके कि कैसे बनता है मैकेनिज्म इसका, देख लो पिनाकोल की। तो मैकेनिज्म ऑफ पिनाकोल फॉर्मेशन या पिनाकोल फॉर्मेशन, तो क्या हो रहा है पहले एक रिएक्शन लिख देते हैं, ये R C डबल बॉन्ड O R, उसकी मैग्नीशियम अमलगम से रिएक्शन करा देंगे और कराने के बाद दोस्त हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो ये बन जाएगा विसिनल डायोल जिसको पिनाकोल बोलते हैं। मैकेनिस्टिक स्टेप्स, इसमें मैग्नीशियम अमलगम है, Mg प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन है और ऐसे हमें आगे चल के करना है। तो देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले वही चीज आई कि भैया Mg अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो वही जिनको प्रॉब्लम थी अभी जो लोग पूछे थे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने बोला था इलेक्ट्रॉन को देख के होमोलिटिक क्लीवेज होती है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को देख के हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करा लो, लेकिन होमोलिटिक कहना ज्यादा जरूरी होता है, ज्यादा सही होता है, ज्यादा प्रिसाइज होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन ये ऐसे आएगा, अगर एक मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन अपने लूज करेगा तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कोई बोले दो मैग्नीशियम लूज करेगा तो भैया चार इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, समझ रहे हो दोस्त? ऐसे दो से मल्टीप्लाई कर दो सब में, क्लियर है बच्चा? यस सर। हाँ दोस्त, तो वही किया है। तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल को जरा ध्यान से देखिए, ओरिजिनल मॉलिक्यूल क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड, ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड में जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो इस इलेक्ट्रॉन को देख के टूटेगा, एक रेडिकल बनेगा कार्बन पे, एक रेडिकल बनेगा ऑक्सीजन पे। तो कार्बन वाला रेडिकल वैसे ही रहेगा, ऑक्सीजन पे क्या है एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन, यही मैग्नीशियम वाला इलेक्ट्रॉन जाके पहुंच जाएगा ना उसके पास। तो दोनों ऑक्सीजन पे दो मॉलिक्यूल है मान लो कार्बोनिल कंपाउंड के, तो दोनों मॉलिक्यूल्स के कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दोनों कार्बन पे फ्री रेडिकल रहेगा और यही फ्री रेडिकल कंबाइन कर जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा क्या हो रहा है? यस सर। हाँ दोस्त, तो वही इलेक्ट्रॉन आया तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन को देख के होमोलिटिक क्लीवेज हो गई मॉलिक्यूल में, तो भैया कार्बन पर फ्री रेडिकल बन गया और कार्बन पर फ्री रेडिकल बनने के बाद वो दोनों जुड़ गए तो ऑक्सीजन पे अभी भी माइनस बचा है, इतना तो हो गया। फिर वाटर आप डाल दो, वाटर क्या करेगा एच दे देगा, इसका मतलब जो ये पिनाकोल बनता है उसमें एच आता है वाटर की तरफ से, सॉल्वेंट की तरफ से, और सीसी बॉन्ड की कपलिंग हो रही है वो तो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन की वजह से कपलिंग हो रही है, तो ये बन जाता है पिनाकोल विसिनल डायोल या विसिनल डायोल, इसी को पिनाकोल बोलते हैं। तो पिनाकोल उन रीअरेंजमेंट में आगे पढ़ाएंगे इसको डिटेल में, और लेकिन पिनाकोल का फॉर्मेशन यही बता रहे हैं, इसको बार बार थोड़ी रिपीट करेंगे। तो जैसे अभी बहुए ब्लांक रिडक्शन में देख रहे थे, आप आगे चल के बर्च रिडक्शन में देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन आता है, तो तीन इक्वेशंस या तीन रिएक्शंस आपको एक पैटर्न पे मिलते हुए नजर आ रही है। बर्च रिडक्शन में भी क्या क्या होता था, फ्री रेडिकल होता था, इलेक्ट्रॉन होते थे, आयन होते थे, नेगेटिव चार्ज भी होता था, वैसे यहाँ भी फ्री रेडिकल होता है, आयन होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, बहुत कुछ वही चीज है, यही आपने आगे ऊपर देखा था बहुए ब्लांक रिडक्शन में भी।
तो पिनाकोल इसलिए होता है और दोनों को कपल कर देते हैं। तो हम तो आपको बता रहे हैं कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, एनहाइड्राइड, इन सबसे अल्कोहल बनाने का तरीका, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल चल रही है मेरे दोस्त। ये अल्कोहल की रिएक्शन है लेकिन साथ साथ कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है या एसिड डेरिवेटिव की भी रिएक्शन है, वहां पर बहुत तेजी में निकालेंगे। इसलिए क्या है ना, शुरुआत के चैप्टर्स में ही टाइम दे रहे हैं ज्यादा, आगे बहुत तेज खत्म होता है। तो अल्कोहल बन गया, वो भी विसिनल डायोल बन गया, ठीक है। हमें अल्कोहल से मतलब है कैसा अल्कोहल बने, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और एक होता है एमपीवी रिडक्शन जिसका नेम होता है मीरविन पोंडॉर्फ वर्ली रिडक्शन, एमपीवी, मीरविन पोंडॉर्फ वर्ली। इसी का एक उल्टा होता है ओपेनोर ऑक्सीडेशन, ओपेनोर ऑक्सीडेशन, आगे चल के भी बताएंगे। ओपेनोर ऑक्सीडेशन और ये मीरविन पोंडॉर्फ वर्ली रिडक्शन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक का उल्टा कर दो दूसरी रिएक्शन कही जाती है, दूसरे का उल्टा कर दो पहली रिएक्शन कही जाती है। थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं रिएजेंट में बस। तो देखिए दोस्त, ओपेनोर ऑक्सीडेशन अभी बताएंगे, तुम लोगों ने सुना होगा, कोई बात नहीं। देखिए, बहुत बढ़िया दोस्त, सुने हो तो अच्छा है। लिखा, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन की बात की है तो जबरदस्ती और कुछ ना कर देना, टू देयर करेस्पॉन्डिंग 1 degree एंड 2 degree अल्कोहल्स, इनमें कन्वर्ट करते हैं। क्या होता है दोस्त, ये लिखा है एक कीटोन लिखा है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड ऐसे करके लिखा है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। अरे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, अरे यही होता है CH3CH और OH, इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। H हटा दो इसमें से और O के साथ फ्री वैलेंसी छोड़ दो तो इसे बोलेंगे आइसोप्रोपोक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड या आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ही हो गया। एल्यूमिनियम के साथ 3 आइसोप्रोपाइल लगा दो तो ऑटोमेटिकली, हमको पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है इसलिए 3 वर्ड नहीं बोला जाता है, तो बोलते हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो पक्का एल्यूमिनियम के साथ 3 आइसोप्रोपोक्साइड होंगे क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 3 की जरूरत होती है, तो ये मतलब होता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का। ये एमपीवी रिडक्शन में यूज होने वाला रिएजेंट होता है। तो कोई एल्डिहाइड या कीटोन ले लो, सिर्फ इन्हीं को रिड्यूस करता है। NO2 ग्रुप अगर कोई आ जाते हैं उनको कुछ नहीं कर पाएगा ये, NO2 ग्रुप एसिड हैलाइड इन सबको छेड़ता भी नहीं। तो क्या करना है, एल्डिहाइड कीटोन अगर आपने ले लिया है और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड ले लिए हो तो उसको उसी के करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में जहां पर रिड्यूस हो सकता होगा 1 degree या 2 degree उसमें कर देगा, ठीक है बच्चा। यस सर, यस सर। किसी बुक में अगर आप देखोगे एमपीवी रिडक्शन में तो कहीं भी तो वो लोग कीटोन को रिड्यूस करते हुए नजर आते हैं, लेकिन लिखने के लिए वो बोलते हैं 1 degree 2 degree एल्डिहाइड कीटोन दोनों, लिखने के लिए वो बोलते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों को रिड्यूस कर दिया जा सकता है, लेकिन जितने एग्जांपल्स किसी बुक में देखोगे वो कीटोन को रिड्यूस करते हुए दिखते हैं। मतलब कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये सारे पॉइंट्स बता दे रहे हैं, क्योंकि हमको भी कभी दिखा था कि भाई ये एल्डिहाइड वाला तो कहीं लिखा नहीं है कि कोई एल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहा हो, लेकिन स्टेटमेंट्स यही लिखते हैं कि 1 degree 2 degree अल्कोहल जो कन्वर्ट होते हैं वो एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन के बाद होते हैं। लेकिन जितने भी बुक्स में एग्जांपल लिखे हैं वो सारे एग्जांपल्स कीटोन के रिडक्शन के, कीटोन एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड से रिएक्शन करता है तो 2 degree अल्कोहल बनाता है, उसके एग्जांपल्स लिखे हैं। नेक्स्ट देखिए माइकल एडिशन रिएक्शन, माइकल एडिशन रिएक्शन। ये एक्चुअली ये ना बताते तब भी काम चल जाता, लोग इसके बिना बताए भी माइकल के रिएक्शन कर लेते थे। माइकल ने ऑब्जर्व किया कि कुछ पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन एक पैटर्न फॉलो कर रही है, कुछ पर्टिकुलर टाइप की, मतलब इन्होंने ये देखा कि एक पर्टिकुलर टाइप का जब रिएजेंट होता है, सबस्ट्रेट होता है, तो वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल से एक पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न फॉलो करता हुआ नजर आता है। जैसे इन्होंने ये बोला, जो बोला है वही देखो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इसके पीछे पड़ गए ये माइकल जो आदमी थे, ये पीछे पड़ गए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के। जैसे कि एक हमने एग्जांपल ये लिखा भी है, देखो जरा ध्यान से, जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके अल्फा और बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है,
तो क्या इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बोल सकते हैं नीचे, है ना बच्चा? यस सर। अच्छा ठीक है दोस्त, इन्होंने माइकल ने बोला जितनी भी रिएक्शंस होती हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की वो हम बताएंगे और हमारे नाम से जानी जाएंगे आज के बाद। उन्होंने एक पैटर्न बना दिया इसका, एक पर्टिकुलर टाइप के मॉलिक्यूल किस टाइप की रिएक्शन देते हैं, क्या पैटर्न आया? पहले थियोरी पढ़िए, थियोरी रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड विद अ न्यूक्लियोफाइल, विद अ न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म प्रोडक्ट, टू फॉर्म प्रोडक्ट इज नोन एज माइकल एडिशन रिएक्शन। इन्होंने बोला कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पे जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे नाम से माइकल एडिशन रिएक्शन के नाम से आज के बाद जाना जाएगा। हम उसकी ट्रिक बता दे रहे हैं, तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो माइकल बोल दे वही कर दो, बस आंसर वही आएगा क्योंकि वो करके ट्रिक बताए, उन्होंने अपनी एक ट्रिक या शॉर्टकट बनाया हुआ है। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना होता है? सबस्ट्रेट आइडेंटिफाई करना होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। अब लिखा है कि जो प्रोडक्ट्स बनते हैं दे डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल बाहर से आके अटैक करने वाला होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, कैसे होती है, उसके बेसिस पे इसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसके बेसिस पे इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात की जाती है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ये लिखा हुआ है, इसके बेसिस पे बताया जाता है। देखिए क्या होता है, हमारी बात सुनो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, उसमें सबसे पहले ये देखो क्या हो रहा है। ग्रीन पेन से हमने एक न्यूक्लियोफाइल बनाया है, एक न्यूक्लियोफाइल बनाया है रेड पेन से। ग्रीन पेन वाले को देखो, ग्रीन पेन वाले न्यूक्लियोफाइल को देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कोई बोले सर वही क्यों अटैक कर रहा है, हमारी बात सुनो, आप एक बात बताओ, अरे रुक जाओ हमको एक मिनट मेरे भाई, थोड़ा सा टाइम दो हमें। हम ये कह रहे हैं जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, सपोज करो आपके पास ये है आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी डबल बॉन्ड ओ और आर, इसका एक्चुअल ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाओगे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आएगा बताओ भैया। हेलो, अबे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आएगा? हेलो आवाज नहीं आ रही क्या दोस्त? हेलो हेलो हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं सर आ रही है, अब आ रही है। तो साले बोलते कहा नहीं हो, डिस्कनेक्ट हो गया था क्या बीच में? नहीं मेरा कनेक्शन लूज सर। अच्छा सुनो, अरे तो बताया करो, हमने जब पूछा है नहीं बताते हो तो भैया ये दोनों कंजुगेशन में है तो पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ आएगा, हर जगह आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड, तो इस पे ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस आ जाएगा, तो क्या डेल्टा प्लस इस कार्बन पे होता है और डेल्टा प्लस इस कार्बन पे भी आ जाएगा बताओ भैया, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स ऑक्सीजन हुआ होगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स ऑक्सीजन अगर हुआ है ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, और C डबल बॉन्ड O की वजह से कार्बन पे तो प्लस होता ही है, और एक चीज कि जो रेजोनेंस करेगा तो एकदम एक और कार्बन पे डेल्टा प्लस आ जाएगा, तो क्या डेल्टा प्लस होल्ड करने वाले दो कार्बन आपको दिख रहे हैं बताओ बच्चा, डेल्टा प्लस होल्ड करने वाले दो कार्बन? तो मेरे भाई अगर डेल्टा प्लस होल्ड करने वाले दो कार्बन दिख रहे हैं तो जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो इन दोनों पे ही तो हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल इन्हीं दोनों पे तो अटैक कर सकता है, इसीलिए हमने जो ग्रीन पेन से न्यूक्लियोफाइल और रेड पेन से न्यूक्लियोफाइल दिखाया हुआ है उन दोनों का अटैक जानबूझ के उन्हीं कार्बन पे कराया है जिनके ऊपर डेल्टा प्लस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है बच्चा? यस सर। इसीलिए माइकल एडिशन रिएक्शन में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस एट टू पोजीशंस, और इन दोनों पोजीशंस पे कब हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे ये माइकल ने बताया। माइकल ने बोला तुम दिमाग लगाना बंद कर दो, हम जो बताएं हमको फॉलो करो। उन्होंने ग्रीन पेन वाले से अटैक कराया, पहले ग्रीन पेन वाले से, ग्रीन पेन वाले से जिस कार्बन पे अटैक कराया है तुम लोग समझ सकते हो कि वहां भी डेल्टा प्लस हुआ करता था, इसीलिए उन्होंने बोला कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी अटैक कर सकता है। रेड पेन वाले से जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया है उस कार्बन पे भी डेल्टा प्लस बनता था, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक किसी के मन में आए तो यहाँ भी करा सकता है,
क्योंकि इस पे भी डेल्टा प्लस तो बनता ही था। तो माइकल ने ये बोला कि भैया अब हम प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब अगर ग्रीन पेन से कराओगे तो देखो ध्यान से देखो बच्चा, ग्रीन पेन से कराओगे तो हमने ग्रीन पेन वाले सारे बॉन्ड तोड़े हुए हैं ग्रीन पेन वाले, तो ग्रीन पेन के अगर अटैक आपने करा दिया तो प्रोडक्ट ये बनेगा। देखो दोस्त ये ग्रीन पेन वाला प्रोडक्ट बनेगा 1/4 अडक्ट के नाम से जो लिखा है, ये 1/4 एडिशन प्रोडक्ट, मतलब ये है 1/4 का कि जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आके लगा है, जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल लगा है उससे फोर्थ एटम पे जाके, जैसे न्यूक्लियोफाइल सपोज करो आपने ले लिया HCl ले लिया, तो Cl कहां लगेगा न्यूक्लियोफाइल वाली पोजीशन पे, H कहां लगेगा जाके चौथे एटम पे लगेगा दौड़ के जाके ऑक्सीजन के पास। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर ग्रीन वाले पेन के तरीके अटैक कराओगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको 1/4 प्रोडक्ट बनेंगे बोलेंगे, या 1/4 एडक्ट बोलेंगे। कोई बोले ये कब होगा, तो माइकल ने ये बोला कि जब भी न्यूक्लियोफाइल खुद एक वीक बेस होता है, जब भी न्यूक्लियोफाइल खुद एक वीक बेस होता है तब 1/4 एडक्ट बनाएंगे। कोई बोले वीक बेस क्या क्या हो सकते हैं अभी बता रहे हैं, लेकिन क्या इतना पॉइंट समझ में आ रहा है, इफ न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ इज अ वीक बेस फॉर्मेशन ऑफ 1/4 प्रोडक्ट या 1/4 एडिशन प्रोडक्ट टेक्स प्लेस, है ना, जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन करेगा तब, बताओ अच्छा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि भैया ऐसा होगा कि 1/4 एडक्ट बनेगा जब न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ इज अ वीक बेस। कोई बोले नहीं सर वीक बेस नहीं स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर ये भी तो पॉसिबिलिटी है कार्बन नंबर 2 पे अटैक करने की, तो रेड पेन से जो अटैक कराया है अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वहां पे तो भाई वहां पे 1/2 एडक्ट बनेगा। देखो समझ में आ रहा है दोस्त, बताओ बच्चा। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब है माइकल एडिशन रिएक्शन में 1/4 और 1/2 एडक्ट बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन न्यूक्लियोफाइल, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उसके बेसिस पे। तो माइकल ने ये बता दिया कि कभी भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दिखेगा तो कुछ भी मत सोचना, सोचना या तो 1/4 एडिशन प्रोडक्ट बनाना है या तो 1/2 एडिशन प्रोडक्ट बनाना है अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा है तो। अब बता देते हैं कि वीक बेस क्या होता है और स्ट्रॉन्ग बेस कब क्या होता है, मतलब तुमको अगर कोई बोल दे कि सर हमको एक बार ये बता दीजिए कि माइकल एडिशन रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस की तरह कौन बिहेव करेगा, तो बाकी वाला तो हम अपने आप निपटा लेंगे, बाकी सब तो वीक हो जाएंगे। तो हम तुमको बता दे रहे हैं, ये देखो ये ब्लू पेन से जो हाईलाइट कर रहे हैं, द न्यूक्लियोफाइल यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग बेस, अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो 1/2 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा और वह स्ट्रॉन्ग बेस के लिए NaH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड CH3MgBr और RMgX, यहाँ पे हल्का बस इतने होते हैं, इनमें से भी एक आध दो भी हटाएंगे आगे चल के, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में इतने लिखे हैं तो हमने पहले उन सबको एक साथ कॉपी कर लिया कि माइकल एडिशन रिएक्शन चाहते हो अगर तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। आगे चल के कुछ बुक्स ने क्या बोला है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यहाँ से आउट कर दो, ऐसा भी लोगों ने बोला हुआ है। देखो हम सारी बातें बता रहे हैं और फिर फाइनली बताएंगे तुम्हें क्या करना है, मतलब 2-3 बुक से देखा था तो कहीं कहीं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिखा था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आप स्किप कर दो मत रखो इसको, RMgX CH3MgBr और NaH बस ये दोनों ले लेना, यही दोनों, RMgX भी मत रखो, R पे बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस या 1/2 एडिशन प्रोडक्ट बनाना है तो सिर्फ ये दोनों अगर होंगे NaH और ये CH3MgBr तो 1/2 एडिशन प्रोडक्ट बनाना, बाकी कोई बोले सर और कोई नेगेटिव चार्ज आ गया तो 1/4 एडिशन प्रोडक्ट बना देना, बड़ा इजी तो नहीं दिख रहा है, अरे 1/2 एडिशन वाले सिर्फ दो ही याद करने हैं, बाकी सब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा 1/4 एडक्ट बनाएगा, है बच्चा? यस सर, यस सर। इतना याद कर लो सारी रिएक्शंस हो जाएंगी। तो ये होता है, अब देखिए देख लो भी, जैसे ये क्वेश्चन हमने दे दिया आपको, ये वाला ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, देखते ही तो एकदम खिलखिला जाओ, अरे माइकल आ गया। ये HCl है, HCl का मतलब H प्लस और Cl माइनस, अबे Cl माइनस वीक बेस होता है क्या, 1/4 एडिशन प्रोडक्ट बनाओगे 1/4? यस सर। तो
तो सीएल माइनस जाके कहाँ अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर टूटेगा, फिर ये पाई बॉन्ड इधर टूट जाएगा। तो भाई ये देखो रिएक्शन लिखी हुई है राइट साइड, पहले ये बन गया क्लोरीन लग गया, बाद में एच प्लस आएगा, एच प्लस जाके ओ पे लग जाएगा, तो 1,4 रिडक्ट बन गया। लेकिन मेरे भाई एक इंटरेस्टिंग चीज, जैसे ये बना है ना, ये टॉटोमराइज कर जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो बना है वो इनॉल है, तो टॉटोमराइज करके ये फाइनल प्रोडक्ट बना देगा। दोस्त बताओ बच्चा, टोटोमराइजेशन तो उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री पोर्शन उसमें दिख गया, हम क्या करें, ये माइकल का पार्ट थोड़ी होता है, वो तो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर टोटोमर दिख गया, ठीक है हो गया। बाकी वाले ये जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये करने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। 1,4 रिडक्ट बनेगा यहाँ पे, एच जाएगा ओ के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले प्रोडक्ट ये बनाओगे, ऊपर आ जाएगा ओ एच, और यहाँ पे क्या जाएगा ओ एम ई, यही तो आएगा भैया, नहीं आएगा? लेकिन दोस्त ये टॉटोमराइज कर जाएगा, ऊपर वाला सेगमेंट टॉटोमराइज करके सी डबल बॉन्ड और यहाँ पे ओ सी एच थ्री आ जाएगा, ठीक है। अरे टॉटोमर नहीं बनाओगे इनॉल का, इनॉल का कीटो और सिमिलरली दूसरे वाले में सी डबल बॉन्ड ओ और टॉटोमरिज्म के बाद की बात कर रहे हैं, एन एच एम ई, यही आ जाएगा। बताओ बच्चा क्लियर है? यस सर। भाई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, 1,4 रिडक्ट बनाएगा, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, तो 1,4 रिडक्ट बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा। तीसरे वाले में बड़ी अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है कि मेरे भैया एक बात बताओ, NaOH ले लिया आपने, NaOH क्या करेगा, जो एसिडिक ये है ना यहाँ पे, इस एसिडिक एच को निकालेगा, OH माइनस आएगा, सबसे पहले इस एसिडिक एच को निकालेगा, तो जो कार्बन पर माइनस बनेगा वो कार्बन पर माइनस इस पे जाके अटैक करेगा, 1,4 रिडक्ट बनाएगा। समझ पा रहे हो कैसे प्रोडक्ट बनाना है? यस सर, यस सर। क्योंकि डायरेक्टली कोई नेगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा था, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो डायरेक्टली कोई नेगेटिव चार्ज थोड़ी दिख रहा है, तो सबसे पहले NaOH एसिड बेस रिएक्शन करेगा, तो ये CH2 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें एक एसिडिक एच है, बहुत ज्यादा एसिडिक एच है, OH माइनस आएगा, इस एसिडिक एच को निकाल लेगा, तो इस कार्बन पे बनेगा माइनस, और वो कार्बन माइनस जाके 1,4 अडक्ट करेगा, तो 1,4 अडक्ट करेगा, फिर टॉटोमराइजेशन होगा, तो क्या प्रोडक्ट ये बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे CH NO2 NO2। समझ रहे हो बच्चा? यस सर। देख लेना भैया कि डायरेक्ट अगर न्यूक्लियोफाइल जनरेट नहीं, आपके पास नहीं मिल रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना पड़ेगा, तो हमने जनरेट कर दिया उसमें, ठीक है दोस्त। आगे चले, ऐसे कर लोगे बाकी, 1,4 रिडक्ट की ही तो बात की गई है, ये सब 1,4 रिडक्ट है, हमने 1,2 वाला कहीं लिखा ही नहीं अभी। हेलो हेलो, बताओ मेरे दोस्त। यस सर, कर देंगे। यस सर। तो हम आपको ये नोट्स भेज चुके हैं, देख रहे हो कितने रिएक्शंस लिखी हुई है। वैसे रिएक्शन नंबर 13-14 हमने बताया है, उसको थोड़ा देख लो तो ज्यादा अच्छा है। 13-14 XSD2 और भी है, हाँ ठीक है, देख लो जो बताया है उसको देख लो मेरे भाई, सब माइकल एडिशन ही है। 13 देखो, एक लिखा है हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, और इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में हमने गिलमान रिएजेंट ले लिया, CH3 होल ट्वाइस CuLi। अरे CH3 माइनस है बे, और क्या है, तो CH3 माइनस 1,4 एडिशन प्रोडक्ट करेगा, तो पहले ये बनाएगा, CH3 अटैक करेगा, फिर OH और टॉटोमराइज करके अल्टीमेटली है इवेंचुअली आपको यही वाला प्रोडक्ट मिलेगा। बताओ दोस्त। यस सर। अरे CH3 अटैक करेगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, वैसे यहाँ पर pH आएगा अटैक करने तो pH माइनस 1,4 पे अटैक करेगा, ऐसे टूटेगा, इधर टूटेगा, इनॉल बनेगा, इनॉल से टॉटोमराइज करा देना, लेकिन उसने फिर एक्सेस में D2O ले रखा है, तो मेरे भाई D2O करोगे तो C डबल बॉन्डो के रिस्पेक्ट में सारे डी भी तो रिप्लेस, H भी तो डी से रिप्लेस हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट बनेगा फाइनली। बताओ भैया ध्यान से देखो प्रोडक्ट को। लेयर? यस सर। नहीं बताओगे? अरे बाकी लोग मेरे भाई, अरे एक्सेस D2O में आपको बताया नहीं, ड्यूटेरियम एक्सचेंज हाइड्रो, उसमें ये लो मैकेनिज्म भी लिखी हुई है, देख लो मैकेनिज्म, नहीं तो कहोगे। हिंट देखो, हिंट क्या मैकेनिज्म है, सबसे पहले इस मॉलिक्यूल पे pH माइनस आके अटैक करेगा, तो pH माइनस अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा O पे माइनस,
फिर भैया डी टू ओ एक्सेस में ले लिया डी टू ओ ओडी माइनस, तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज इन टॉटोमेरिज्म, तो सी डबल बॉन्डो के रिस्पेक्ट में जितने भी अल्फा एच होते हैं सारे डी से रिप्लेस हो जाते हैं, तो मेरे भाई ये बनेगा, और इसके बाद फिर एक्सेस डी टू ओ में सारे एच डी से रिप्लेस होके ये प्रोडक्ट बन जाएगा। कंफ्यूजिंग तो नहीं है ज्यादा, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। इसका मतलब इसमें बहुत सारी रिएक्शन उसने पूछ ली। क्या क्या रिएक्शन पूछी है अगर कोई देखे तो? रिएक्शन नंबर 14 में एक तो उसने ये पूछ लिया कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है, फिर उसी में टॉटोमेरिज्म पूछ लिया, और फिर उसी में ड्यूटेरियम एक्सचेंज पूछ लिया, और उसमें ये भी पता लग गया कि आपको आता है कि नहीं आता है मिक्स क्वेश्चंस करना। तो इतना कर लोगे दोस्त? बताओ बच्चा, हो जाएगा? यस सर, यस सर। बाकी आप ट्राई करना, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अब आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में मिलिएगा। अब आप लोग ब्रेक ले लीजिए। थैंक यू सर।